जनपद हापुड़ का ये गांव जहां लोगों के पास नहीं है मतदान का अधिकार, 30 साल से वोट देने का कर रहे इंतजार। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं हापुड़ शहर का नंबर वन न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। दरअसल जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गंगानगर गांव के लोगों के पास वोट देने का अधिकार नहीं है। 120 परिवारों के लोग 30 साल से वोट के अधिकार मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हर साल उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। देश की राजधानी दिल्ली से महज 90 किलोमीटर दूर गढ़ विधानसभा क्षेत्र में गंगा के बीच टापू पर गंगानगर के नाम से एक गांव बसाया गया है। लकड़ी के मकानों के गांव में करीब 3 दशक से रह रहे 120 परिवारों के पास भारतीय नागरिकता नहीं है। यहां रहने वाले इन परिवारों के करीब 600 लोगों को भारतीय नागरिकता मिलने का आज भी इंतजार है, जबकि विधानसभा और लोकसभा सहित अन्य किसी भी चुनाव में इनको मतदान करने का भी अधिकार नहीं है। हालांकि समय समय पर इन लोगों की ओर से उठाई गई मांगों को जनप्रतिनिधि समस्या का निस्तारण करने का आश्वासन जरूर दे देते हैं। गंगानगर गांव के निवासियों का कहना है कि 1971 के बाद से वो यहां रह रहे हैं। देश की आज़ादी के समय से ये परिवार 1950 में पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए थे, जबकि इनके पूर्वज वेस्ट बंगाल में कुछ समय रहने के बाद यहां पर आकर बस गए, लेकिन इन्हें बांग्लादेशी मानकर किसी तरह का कोई लाभ नहीं दिया गया। इनका वोटर कार्ड भी नहीं है, जिसके कारण उनको किसी भी चुनाव में मतदान करने का मौका नहीं मिलता है और न ही इनको सरकार की तरफ से राशन, बिजली, पानी आदि की सुविधा दी जाती है। तो जनपद हापुड़ के गंगानगर गांव में निवास कर रहे इन लोगों को न तो आज तक भारत की नागरिकता मिली और न ही किसी सरकारी सुविधा का लाभ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। हापुड़ और आसपास की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर वन न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार। हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और इनके आसपास जिले की खबर देखने के लिए हापुड़ हलचल को आज ही सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9045203378।